मुझे मेरे बालों को कंघी करने के लिए ये वाला ब्रश अच्छा लगता है, क्योंकि इससे बाल ना खींचे नहीं जाते, लाइक टूटते नहीं है ज़्यादा। सो बहुत मज़ेदार एंड सुखी है, मुझे लगता है मैंने पहले भी बताया है। सो गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज हो जाएंगे, क्योंकि आपने ट्यून इन कर लिया है मेरा व्लॉग। मेरी ज़िंदगी का मोटिव है आपको खुश करना, हैप्पी करना, पॉजिटिव करना। सो आज गुड मॉर्निंग नहीं है, एक्चुअली मैंने मजाक किया। समय हुआ है 4:30, हम लोग जाने वाले हैं थोड़ी ग्रॉसरी करने के लिए। आज मेरे साथ हिम्मत एंड हस्बैंड भी आएंगे, क्यों? क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हम सारे लोग इकट्ठे होकर जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, और थोड़ी वॉक भी करेंगे क्योंकि बहुत मज़ेदार है बाहर। सो मैंने एक बहुत ही अच्छा आइडिया सोचा, वो है व्लॉगिंग करने का। मैंने सोचा कि व्लॉग भी कर लेते हैं। वैसे आज मेरा रेस्ट डे था, मैं व्लॉग नहीं करने वाली थी, पर मैंने लगा कि यार कर लेंगे थोड़ा सा व्लॉग, कर लेंगे जो कि सो व्लॉग करूँगी मैं। मेरे पिछले कुछ वीडियोस में बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि मेरा आरे ठीक हो चुका है, और आरे के बारे में अपडेट्स, एंड जो मेरी आरे डायग्नोज वाली वीडियो है उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि उनको आरे डायग्नोज हुआ है, मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया, मैं कौन सी दवाई खा रही हूँ। सो उसके लिए मेरे चैनल पर रूमेटॉइड से रिलेटेड 2-4 वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने बात की है कि मेरी हालत कैसी है, क्या मेरा आरे ठीक हो चुका है, नहीं, क्या मेरी हालत बेटर है, यस मेरी हालत पहले से बेटर है, पर बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, लाइक मैं बिल्कुल पहले जैसे नॉर्मल नहीं हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ, लाइक आई ट्राई टू फेक इट, पर हर दिन डिफरेंट होता है। किसी दिन मेरा अच्छा आता है, किसी दिन मेरा बुरा आता है, बुरे दिन मेरे ज़्यादा आते हैं, अच्छे दिन मेरे कम आते हैं, पर फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं हर दिन को यूज़फुल एंड प्रोडक्टिव बनाऊं। क्योंकि अगर मैं पेन को लेके बेड पे बैठ जाऊं तो मैं सारा दिन बैठे रह सकती हूं, मुझे बहुत मज़ा आता है आराम करने में, पर आराम करके नहीं ज़िंदगी चलेगी, हमें चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। और आप अगर मुझे जानते हैं, आपको पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार मेरे घर को ऑर्गेनाइज़ करना अच्छा लगता है। घर को ऑर्गेनाइज़ करना, खाना पकाना, अपने हिम्मत एंड पति को खिलाना, बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हूँ, और मैं बहुत परफेक्शन के साथ करना चाहती हूँ। इस बीमारी के चलते थोड़ा डाउन हो गया है काम, पर मैं उस लह को टूटने नहीं देती हूँ। जितनी भी पेन में हूँ, जैसे भी हूँ, हेल्प लेती हूँ मैं। अगर हस्बैंड हेल्प करें तो बहुत अच्छा है, हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आउट देयर आप हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, और आपकी पत्नी बीमार है, या आपकी बहन या मम्मी, तो प्लीज़ उनकी पेन को समझें। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो बीमारी है वो आपको विजिबली दिखती नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और फिर सारे लोग सोचते हैं कि बिल्कुल ठीक है, पर आपको पता नहीं है कि अंदर से हमारा शरीर कैसे टूटता है, इतना बुरा टूटता है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। आप सोचें कि आपको वायरल फीवर हुआ है एक हफ्ते के लिए, और उसको जब आपका वायरल फीवर ठीक हो जाता है, और आप कितना वीक फील करते हैं, बस वैसा ही हम एवरी डे फील करते हैं, प्लस जॉइंट पेन्स, जॉइंट मल्टीपल जॉइंट पेन, एक ही जगह नहीं होती है, मल्टीपल जगह पे हो रही है। नींद हमें अच्छी नहीं आती है, क्योंकि जिस जगह हम ज़्यादा देर लेटते हैं तो हमारी वो जगह पेन में चली जाती है, फिर उठ के उन्हें सही करना पड़ता है कि यार टेंशन ना लाए, फिर उधर सोएंगे। नींद हमें अच्छी नहीं आती है, पेन की वजह से हम स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ हम डील कर रहे हैं। अगर आप भी हमें परेशान करेंगे तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा भाई, नहीं चलेगा। सो प्लीज़ अपनी वाइफ की मदद किया करें, मम्मी की करो, बहन की करो, उनको समझो प्लीज़। एंड आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि यू नो हेल्प लिया करो, क्योंकि आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करके कि यार मेरी सिचुएशन सही नहीं है, मैं सीरियस लो, तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। अपने आप ज़्यादा बोझ डाल लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो मैं अपने आप आरे को कंट्रोल करने के लिए कौन से सप्लीमेंट्स खाती हूँ उसकी वीडियो मैं बनाऊंगी, पर आपके डिप्रेशन और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, एंड आरे के आई थिंक 2-3 एपिसोड्स हैं इसके, आप उसको देखें, आपको अच्छा फील होगा, आप रिलेट कर पाएंगे। सो ये मैं बातें आपके साथ करना चाहती थी। एंड नहीं, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, पर मैं कोशिश
करती हूँ कि ठीक रहे। सो यार थोड़ा बहुत वर्कआउट करते रहा करो, वॉक पे जाया करो, उतना ही अपने शरीर को करें जितना आपका लाइक अलाउ करता है आपकी बॉडी, ओवर नहीं करें पर करें जरूर। मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, एग्जाम्पल बहुत पेन हो रहा है, बहुत वीक फील कर रही हूँ मैं, पर जैसे ही मैं फ्रेश एयर में जाके दो चार कदम वॉक करती हूँ ना तो एक अलग से एनर्जी आती है, आप उसको फील करें, बहुत मजेदार लगेगी। सिर्फ लाइक पेन को लेके बैके उसी धुन में मत रहें, थोड़ा पुश करें अपने आप को चीजें करने के लिए, लाइक एटलीस्ट वॉक कर ले, दैट्स इट। आपको मैं नहीं कह रही हूँ कि रन करो, योगा करो, क्योंकि वो होगा नहीं आपसे, वॉक कर ले, उसी से बहुत अच्छा फील होगा। सो ये थी अपडेट पिद्दी सी आर्य के बारे में। हस्बैंड तैयार हो रहे हैं हमेशा की तरह हजारों घंटे लगा के, और वो आएंगे तो हम लोग जाएंगे। मुझे लगता है कि बाहर क्लाउडी हो रहा है, ग्लूमी हो रहा है, अगर बारिश पड़नी शुरू होगी तो फिर हमारा प्लान धरा पे धरा रह जाएगा, सो हम नहीं जा पाएंगे। मुझे नहीं पता कि आप देख पा रहे हैं या नहीं, मैंने पिंक लाइनर लगाया है, जो मैंने लिपस्टिक लगाई है ना उसी का मैंने लाइनर भी लगा लिया है। सी हाउ क्यूट आई एम, गाइस लुक एट माय क्यूट ग्रीन इयररिंग्स। एक बंदा दे आया, नहीं आया, चला गया। आज हमने ब्रेकफास्ट में खाया है लिक्विड परांठा, लिक्विड बैटर से बनाया हुआ परांठा, जिसकी मैंने मेरी कुकिंग चैनल के लिए वीडियो शूट की है। पता नहीं मैं कब अपलोड करूंगी, जल्दी कर दूंगी, या शायद वो ऑलरेडी अपलोड होगी, सो उसे देखें कि कैसे था। एक ही खाया मैंने, आई डोंट नो फॉर सम रीजन बहुत हैवी सा लगा मुझे, पर मैंने खा लिया। एंड उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया है, हम डिनर में कुछ खाएंगे, पर फिलहाल हम बाहर जा रहे हैं। ये देखिए लिक्विड पराठे की शक्ल कितनी क्यूट थी, टेस्ट एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट था। उसको बनाते हुए ना मैंने मालपुड़े याद आ गए, मेरी मम्मी मालपुए बनाया करती थी मिठे देसी घी में, उन्होंने देख के मेरा दिल किया कि मैं खा ला। आई डोंट नो फॉर नहीं बुकिया। तो फिर मालपुड़े याद आ गए मुझे, मेरा पता नहीं क्यों कड़ा खाने मन कर रहा था। कुछ दिन पहले मैंने बनाया पर मैंने ज्यादा खाया नहीं, क्योंकि मैं सोचा पति नू ना पति को ना कट पै जाए। पति ने खा लिया टेट भर के दो चार बार, तो एक्चुअली मम्मी ने भी खा लिया, वो इससे भी अच्छा लगता है। और फिर अभी देसी घी नहीं है मेरे पास, तो मैं मक्खन लेने के लिए जा रही हूँ, देसी घी बनाऊंगी, तो फिर फ्रेश बनाऊंगी मालपुड़े ते कड़ा ते नाले खीर ते नाले गोगले। गाइस आपने कभी गोगले खाए? गोगले गोगले बोलते हैं हमारी तरफ, जो लाइक खट्टे जे आटे दे विच सौंफ सूंफ पा के मिठे जड़े माइए तो बाद दिंदे आ गोगले। बहु तो ही की बोलते हो नू, जड़े माइए तो बाद गोगले नहीं दिंदे खट्टे आटे दे मिठे जे गुलगुले। और ये हस्बैंड लोग गुलगुले बोलते हैं, हम लोग गोगले बोलते हैं। आप बताना कि आप लोग क्या बोलते हो उसको, जेड़े कुड़ी दे चुन्नी दे पा के फड़ के खड़े रहो तो बाद चो पांच 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 दस दस सबनू दे दो, उदा दे आटे दे मालपुड़े। चलो चलिए चंगा दोस्तों, तो सवारियां आ चुकी है सारियां, हां बंदा ला चले सानू सवारियां अपने जिम्मेवार आप पास मान लिया ड्राइवर नु ने बाद चो कहना है कितने प्याज मान कितने प्याज। आने वाले हैं पनीर पकौड़े एंड फिश पकौड़े। एक्चुअली हम ग्रोसरी करके आए हैं, तो अभी हमारी ये ग्रोसरी भी खिलरी पड़ी है, पर हमने तैयारी करनी शुरू कर दी। हमने सोचा कि आज हमारे दिन को चीट डे बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे दिन से हम लोग अच्छा खा रहे हैं, एक एक की मील खा रहे हैं, तो आज भी वैसे हमने एक एक की रोटी खाती है, तो नहीं खाने हैं पनीर के पकौड़े। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि हम पनीर के पकौड़े कैसे बनाते हैं, मुझे लगता है कि मैंने किसी और ब्लॉग में शेयर किया, तो मेरे नान के साथ पनीर पकौड़े सर्च कर लो मिलते हैं। सो मैं क्या करती हूँ कि पनीर में हम लगाएंगे क्यूड़ी पाई से कट, और उसमें हम भरेंगे धनिया पुदीने की चटनी जो मैंने बनाई है कोटके पूरे ट्रेडिशनल तरीके के साथ। सो उसे भरेंगे हम लोग इसमें। एक्चुअली इस चटनी में डालने के लिए मेरे पास फ्रेश पुदीना नहीं है, तो मैं पाउडर डाल रही हूँ ड्राई लीफ। Alright, so यहाँ पे हमारे पनीर का स्टेशन रेडी है। बहुत ज्यादा नहीं बनाने वाले क्योंकि हमें फिश के पकौड़े भी बनाने, और मेरे पति ने एक प्यारा सा अनियन छिल के दे दिया है, कह रहे अनियन भाजी चलना दो, तो वो भी बनाएंगे। तो पनीर के पकौड़े बनाने के लिए ना बेसन को मैं काफी पतला करती हूँ। ओके सो अब हम इसे फ्राई करेंगे पनीर के पकौड़ों को। Staring at my phone, take God, I wanna be at home, be at home, but you said you would
speaking. Why did I believe ya? Send the same excuse again, and I'll pretend that I left you on red, left you on red. That I don't know how to change you. हमने फिश पकौड़े खा लिए हैं, बहुत ज्यादा अच्छे बने हैं। हस्बैंड बताएंगे बाऊ के दले बने या बहुत अच्छे बने, बस हमारे पास मूली नहीं है और हम चटनी बनाने का हमारे पास समय नहीं था, पर जो मैंने चटनी पनीर या पकौड़ों में डालने के लिए बनाई थी उसी से हम खा रहे हैं। बहुत ज्यादा मैं आपके साथ रेसिपी अगली बार शेयर करूंगी। मछली खा रही है मछली। हाय, सो आज है मैनी 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 डेज लेटर, मुझे लगता है 5-6 दिन बाद। मैं व्लॉग को एडिट कर रही थी और मुझे पता चला कि मैंने आउटर शूट नहीं की है, सो हेयर आई एम टू से बाय बाय। एक्चुअली अभी मैं आज के दिन के लिए रेडी हो रही हूँ, आज मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज के दिन के लिए। पिछले कुछ दिन मेरी तबीयत अच्छी नहीं रही क्योंकि स्टिफ नेक स्टिफ हो गया था, आई डोंट नो क्यों। वैसे मेरे शोल्डर्स में पेन रहती है पर स्टिफ नेक शायद एक ही पोजीशन में सोने की वजह से हो गया, मसल कोई प्रेस हो गया या कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मैं अपनी गर्दन ऐसे ऐसे मूव नहीं कर पा रही थी दो दिन के लिए। आज भी लाइक काफ़ी टेंडर सा फील हो रहा है, मुझे डर लग रहा है गर्दन को टर्न करने में कि पेन नहीं हो, पर कल से बहुत ज़्यादा बेटर है। सो कल एंड उससे पिछले दिन कोई काम नहीं किया गया। व्लॉग को मैंने एडिट कर लिया था, ये वाले पिद्दे व्लॉग को, काफ़ी दिन पहले, पर कल काम नहीं हुआ तो मैं अपलोड नहीं कर पाई। सो आई होप उन दोस्तों को आंसर मिल गया होगा जो मेरी आरए का अपडेट लेना चाहते थे। और यार फिश पकौड़े इतने डिलिशियस बने थे, मैं क्या बताऊँ, मैं आपको अपने रिव्यूज़ नहीं बता पाई। बहुत ज़्यादा मज़ेदार फिश पकौड़े बने थे, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर कर दूंगी। सो बस आज की व्लॉग के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। बस आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मोटिवेट आपको मैं करती रहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है। और ओके, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ बेशक वो छोटी हो बड़ी हो, जितनी मर्जी पहाड़ जितनी हो, बस आपको एक थॉट क्रिएट करना है और एक्शन लेना है, बाकी सारी चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दें, अपने रब पे छोड़ दें, वो आपको वहाँ पर पहुँचा देंगी। बस आपको कोई डाउट नहीं करना है, डाउट नहीं होने देना है एंड प्लान भी नहीं बना के रखना कि अगर मेरे पास ये नहीं होगा तो मैं वो कर लूँगी, क्योंकि अगर आपके पास ये डाउट है ये नहीं वो, तो फिर यूनिवर्स कैसे आपकी मदद करेगा। 100% दे दे उस चीज़ को अचीव करने के लिए, ज़रूर से मिलेंगी। और मेरे ज्ञान के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपको जल्दी ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, आई लव यू गाइस सो वेरी मच, बाय।